हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे हमारे व्यूवर्स और उनके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म हो सकता है, बातचीत कब तक हो सकती है। ओके, ये एक जोनल रीडिंग होने वाली है सभी जोडियक साइन के लिए और टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, और सभी जोडियक साइन के लिए है, ठीक है। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, खुद को रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। ओके, चलिए देखते हैं हमारे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, ये पर्सन कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि आपको मैसेज करते करते रुक रहे हैं और अचानक अनब्लॉक कर देते हैं, अचानक ब्लॉक कर देते हैं। ये एनर्जीज है इस पर्सन की। देखिए, ये पर्सन दूरियां आपके साथ ख़त्म करने के बारे में तो बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ दूरियां ख़त्म की जाए, किस तरीके से आपके साथ कांटेक्ट में आया जाए। देखिए, ये सोच रही थी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है, ये कार्ड तो आना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, कुछ इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। चाहते हुए भी आप तक नहीं बढ़ पा रहा है, सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो गई आप दोनों के रिलेशनशिप में कि दूरियां ना ये पर्सन ख़त्म करना चाहता है लेकिन ये स्टक है। स्टक किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के, कुछ आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हुआ है, या इसके मन को कोई बात ऐसी बुरी लग गई है, या फिर इसने आपके साथ कुछ इतना बुरा कर दिया है कि ये पर्सन ना उसी चीज़ में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि आपकी तरफ किस तरह से बढ़ेगी। लेकिन बहुत कोशिश के बाद ये पर्सन, या तो ये पर्सन बढ़ चुका है, ये बहुत जल्द भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता भी है कि कुछ ब्लॉकेज, कुछ रुकावट तो है, रुकावट ज़्यादा दिखाई दे रही है आज इस रिलेशनशिप में। कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है फीमेल की, जो कि नहीं चाहती कि आपके पार्टनर आपकी तरफ डिसीजन ले, जो कि हमेशा आपके पार्टनर को अगेंस्ट करती रहती है आपके। मतलब ना, ये अगर मेल है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, वो फीमेल है ना तो एकदम ख़तरनाक वाली डेंजर, मतलब इतना ख़तरनाक पर्सन कि अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल, बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छा, बहुत साफ दिखाना, हमें कुछ नहीं पता, हमें दुनिया की इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, हम बहुत सीधे साधे सिंपल हैं, कुछ ये ना चीज़ें। लेकिन वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपकी तरफ बढ़ने ही नहीं दे रही, लेकिन ये पर्सन हर चीज़ और इस सब एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है आपको लेकर। आपको अगर गाइडेंस दूँ ना, मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी का, अदरवाइज़ ब्लॉकेज तो है। ये फीमेल ना, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, क्योंकि आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से आपकी तरफ बढ़ा जाए, इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव किया जाए। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है। ये पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है, हर तरह से आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन को
कुछ इस तरीके की है कि आप दोनों रह नहीं पा रहे हैं दूसरे के बिना और मिल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत चल ये पर्सन इस कंट्रोलिंग एनर्जी से, देखो जल्दी वाला कार्ड है कि इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बहुत अच्छी कहते हैं ना, बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से ये पर्सन निकल जाएगा इस एनर्जी, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अनब्लॉक करने की स्थिति में दिख रहा है कि अनब्लॉक करेगा, ये पर्सन सिर्फ अनब्लॉक करेगा, ठीक है। कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है ना आज अनब्लॉक करने की आ रही है। जैसे ये पर्सन आपको अनब्लॉक करता है ना, थोड़ा सा शांतिपूर्वक आप इस पर्सन के एक्शन का वेट करना, बहुत ऐसी एनर्जी में मत आ जाना कि आप इससे सवाल करने लग पड़ो, इससे झगड़ा करने लग पड़ो कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी ये इन सब चीज़ों से निकल कर, नेगेटिव चीज़ों से निकल कर आपकी तरफ आएगा। ओके, एक कार्ड आया, इस पर्सन की विश है कि आपके पास आ जाइए और इस स्ट्रक एनर्जी से, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल जाए, भले से ये कोई भी है। ये पर्सन आपकी तरफ 88 की एनर्जी आई है, 88 तो हो सकता है ये नंबर भी आपको दिख रहा हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, ठीक है। हो सकता है कोई फीमेल ऐसी एनर्जी है जो आपकी तरफ से भी हो सकती है, जो आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप को ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हो। ओके, ये पर्सन की विश है कि आपके साथ एक कमिटमेंट में आए, ठीक है। टेन ऑफ हार्ट्स आया, इसका मतलब ये पर्सन आपके साथ जब भी बात करेगा इस रिलेशनशिप को आपकी तरफ आगे बढ़ाने की बात करेंगे और एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने की बात करेगा। ओके, तो आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।